अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू की फाल बनाए हैं हमारे तरफ से, आप बनाकर खाइएगा ज़रूर। देखिए हमारी रेसिपी बन चुकी है, इसको आप हमारे तरीक़े से बनाइएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू की फाल हमारे तरीक़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पत्ता, पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च, टमाटर, इन चारों चीज़ों का सबसे पहले हम पेस्ट बना लेंगे। पुदीने के पत्ते और धनिया पत्ता, इसमें आधी प्याज, एक प्याज को स्लाइस कर कट कर चॉप कर लिया है, इसको भी हम इसी में डालकर इसका एक अच्छे से पेस्ट बना देंगे। बारीक एक पेस्ट बना लेंगे सबसे पहले। चलिए इन सारे चीज़ों का एक पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट अच्छी तरह बारीक हो चुका है। सबसे पहले एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसी के साथ धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून, इसी के साथ काली मिर्ची पाउडर 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, टर्मरिक, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। उन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले देखिए आलू को मैं इस तरह से कट कर लिया हूँ, आप इस तरह से कट कर लीजिएगा, इस तरह से एक ही शेप में, एक ही साइज़ में। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल के साथ ही ऑयल गर्म होने के बाद प्याज को डालेंगे जो चॉप कर कर रखे हैं, इसको हम इसी में डालेंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सबसे थोड़ा प्याज को लाल कर लेंगे। सबसे पहले हमारी प्याज थोड़ी सी पिंक कलर हो चुकी है, इसी के अंदर जो हमने पीसा हुआ मसाला इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह तेल ऊपर आए तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे, 1 से 5 मिनट अच्छी तरह इसको भी हम भून लेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह भूनिएगा, तभी मसाले का जितना आप भूनेंगे मसाले उतना ही अच्छी तरह स्वाद आएगा। अब इसको ढककर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह आना चाहिए, जब तक हमारा मसाला ऊपर तक तेल नहीं आता तब तक इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। चलिए इसे फिर से 1-2 सेकेंड ढक कर पका लेते हैं ताकि मसाले जल्द से जल्द पक जाए। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है और इसके ऊपर तेल भी अच्छी तरह आ चुका है। देखिए और कढ़ाई भी हमारी, पैन भी अच्छी तरह छूटने लगा है तेल से। अब इसके अंदर अब हम हमारे आलू के चंक डालेंगे जो काट कर रखे हैं। चलिए इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये झटपट बन जाने वाली डिश है, इसको रोटी के साथ, चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। चलिए इसको अब हम 1/2 ग्लास पानी डालकर दम होने छोड़ देंगे अच्छी तरह से 1 से 5 मिनट, ताकि हमारे आलू अच्छी तरह गल जाए, तब तक इसको हम अच्छी तरह दम देंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है, इसके अंदर थोड़े से कसूरी मेथी को डालेंगे, इस तरह मसल कर डालेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। इसको भी हम 1 से 2 मिनट इसी तरह पका लेंगे। देखिए हमारा आलू भी अच्छी तरह गल चुका है। देखिए हमारा मसाला भी अच्छी तरह पक चुका है और आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं। चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमारी रेसिपी बन चुकी है, इसको आप ज़रूर बनाकर खाइएगा रोटी के साथ, चावल के साथ। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।